परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जल्दी बढ़ जाओ। ओम नमः सिद्धेश्वरः, ओम नमः सिद्धेश्वरः, ओम नमः सिद्धेश्वरः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप बताओ, हम नहीं बता सकते, आप ही बताएंगे। कभी कभी तो आप लोग मुस्कान देते हो और कभी कभी तो क्या लेते हो, एकदम ही क्या हो गया, एकदम ही क्या हो गए पता नहीं, और बिल्कुल उदासीन। कोई भी उदासीन आश्रम में भर्ती नहीं होता, ऐसे उदासीन हो जाते हैं जो उदासीन आश्रम ही उदासीन हो जाता है। वहाँ पर कोई रुकता ही नहीं, तो ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से कुछ डाल दिया जाता है, क्या निकाल दिया जाता है, कि होता क्या है? जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, यह उपाधि अपने आप में पेट्रोल का काम कर रही। जब तक आप गाड़ी चलाते रहते और एकदम गाड़ी रुक जाती है, ड्राइवर भी है, गाड़ी भी है, सड़क भी है, सब कुछ ठीक है, किंतु गाड़ी क्यों रुकती? खरीदी गई है गाड़ी, खरीद तो गई गाड़ी, चलाएंगे तो प्रतिदिन सुबह शाम जब कभी भी उसमें तेल तो डालना ही होगा। हाँ, नहीं है तो वह गाड़ी जहाँ कहीं रुकेगी वहीं पर उदासीन होकर के रुक जाएगी, कोई उसको हिलाएगा ही नहीं, हिला सकेगा भी नहीं। कितना बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बड़ा दर्शन जिसको बोलना चाहिए, अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए बात भी करता है कि मैं चला दूँ, क्या चलाओगे, नहीं चला सकोगे। तो वो कर्म उपाधि क्या है, हम ही लोगों के द्वारा जो प्रतिपल उसमें तेल डाला जा रहा है और उसके कारण वह गाड़ी आगे चलती रहती है, बढ़ती जाती है, नहीं भी चलाते हैं तो भी वह अपनी ध्वनि करती रहती है चालू। यदि यंत्र रहेगा तो वह चलती रहती है, आवाज़ देती रहती है, किंतु जो ही तेल समाप्त हो जाता है त्यों ही वह उदासी छा जाती है। अभी तो काफ़ी उछाल पर है,
क्या उछाल पर है? नदी आ गई, नदी आ गई। उन्होंने सोचा नदी गई कहाँ थी? नदी आ गई तो गई कहाँ थी? वही नदी आ गई किस गई, उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई। तो बढ़ गई तो फिर तो क्या कहना, तो वह उछाल पूर आ गया, नदी में बाढ़ आ गई। और ऐसे ही मुंगावली में बाढ़ आ गई। ऐसी बाढ़ आ गई, कौन कौन बह गए पता नहीं। ऐसी धर्मामृत वर्षा हो, और महाराज हम बहना चाहते हैं और जाकर के सागर में मिलना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी बाढ़ तो आ जाए, जिस कुलिया में जाओ, मुंगावली में तो कुलिया बहुत सारी है, कौन सी कुलिया से प्रतिदिन ले जाते हैं ये पता नहीं, कौन सी कुलिया से ले आते हैं ये पता है नहीं। जहां देखते हैं वहीं पर मंदिर आ गए महाराज, इधर कैसे आ गए मंदिर, यही तो चमत्कार है महाराज। कोई भी व्यक्ति जल्दी जल्दी यहां पर, महाराज अब जी जल्दी न करियो, हम जल्दी कर भी सकते कहां, किसी कोई कुलिया में फंस जाए। कोई रास्ता नहीं बताएगा तो वहीं के वहीं परिक्रमा लगा दे। मैं तो पहले सागर में सोचता था कि यहां पर बहुत कुलियां हैं, वहां 100 है तो यहां 1000 है। पहले शुरुआत में प्रवेश हुआ काफी राजपथ जैसे हो गए, राजपथ होते 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 ऐसे ऐसे आ गए। ये कैसे है महाराज, ये पुराना है और वो नया है। हाँ वो स्टेशन रोड है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ का वातावरण परिवर्तित हो गया। वो ये कह रहे हैं किसी भी प्रकार से महाराज जी को हम थोड़े से बांध दे। अब कुलिया में आप बांध कहा रखोगे बताओ। लेकिन फिर भी महाराज भावना रखो, भावना के माध्यम से ही सब काम होगा। एक 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 दिन निकलते रहते हैं, इसी में आप व्यस्त मत रहो, अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो करके आप उसको समझो। कर्म उपाधि है तो प्रतिपल कर्मों का बंधन होता रहता है और प्रतिपल उदय में आता रहता है। कभी पानी कम हो जाता है नदी में और कभी बाढ़ आ जाती है नदी में, किंतु हमेशा हमेशा नदी स्वस्थ ही रहती है। पानी की मात्रा बढ़ने से वह मैं बढ़ गई हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि प्रवाह रहता है निकल जाता है। यह जीवन भी एक नदी प्रवाह की भांति बहने वाला है, कभी रुक नहीं सकता। रुका जैसा लगता है किंतु वह रुक गया
लेकिन फिर भी पानी वहाँ रुका हुआ नहीं, आगे न बढ़ करके ऊपर बढ़ता चला जाता। तो वह ऊपर बढ़ने के उपरांत एक स्तर पर जा करके पुनः आगे व नीचे चला जाएगा। यह नियमित रूप से कार्यक्रम हमारे जीवन में भी चल रहा है। हम रुके से लगते हैं, मुगावली में रुके हैं, आप नहीं रुक सकते और कोई रोक नहीं सकता, ये तो चलता ही रहता है। कुछ आएंगे, कुछ यहाँ से चले जाएंगे, कुछ नए मुख चेहरे आएंगे, कुछ चेहरे निकल जाएंगे, और जब यह हमें ज्ञात हो गया कर्म उपाधि है, तब देव होकर के देखेंगे, झांकेंगे, फलान चंद कहाँ है, अभी वहीं पर है। तब वो इसको ज्ञान हो जाता है, ये है जीव और पुद्गल नाचिया में कर्म उपाधि। इसमें हम थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ, वो ये है कि जीव ही नाचता है, कर्म नाचता नहीं। इसको नाचना, हाँ नहीं समझे, उंगलियाँ चुटकी बजे, उंगलियाँ गई चुटकी बजती नहीं है, ध्यान रखो, भीतर से ऊर्जा पैदा हो जाती है। बीच बीच में ये अंगुष्ठ और यह मध्यमा थोड़ी चुटकी बजाते हैं, बचाने वाला अरे चुटकी लेता है। नहीं समझे, वह मूड आ जाए हो जाए तो चुटकी लेता रहता है। आत्मा देखने को नहीं उपलब्ध होती, किंतु उसकी चुटकियाँ बाहर आकर के ऐसे करामत करने लग जाती है, ये हम नहीं समझ पाते। और समझ में जब आने को होता है तब ये प्रवाह आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए आप लोगों से कहना है, ऐसे संस्कार बच्चों के जीवन में भी दे दो, ताकि जैसे आप लोगों ने यात्रा पूर्ण करने को है, उसी प्रकार वे भी धर्म ध्यान पूर्वक अच्छे सत्कार्य के साथ आगे प्रवाह बढ़ाते हुए चले जाएं। क्योंकि पंचम काल है, तीर्थंकरों का आना होता नहीं, अच्छे अच्छे साधकों का यहाँ पर आना भी नहीं होता है। कुछ भी है, पूंजी लेकर के आप पूंजी लेकर के आए हैं, छोटी सी दुकान नहीं समझे, चलते फिरते वो भी हाँ एक स्थान पर नहीं रह पाते, लेकिन उसके द्वारा भी सौदा काफ़ी होते रहते हैं, और वहाँ एक प्रकार से भूमिका का काम करेंगे, और आगे के जीवन में हमें उसी प्रकार का संपूर्ण जीवन के विकास के कुछ क्षण मिलेंगे, इसको पूर्ण करेंगे। ऐसे भावना भावना आप भाते रहिए, अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की